अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका हाउस। आज हम बनाएंगे पोटैटो नगेट्स जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी डिलीशियस बनके तैयार हुए थे और बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए दो बड़े साइज़ के आलू जिन्हें मैंने बॉईल करके रख लिया है। पाउडर मसालों में हमें चाहिए 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, ब्रेड क्रम 6 से 7 ब्रेड क्रम का हम ब्रेड क्रम बना लेंगे, हरी धनिया चॉप करके रख लेंगे। हमारे आलू को हमें अच्छी तरह से मैश करना है। इसमें हमें हमारे सारे पाउडर मसाले डाल देंगे और हरी धनिया जो हमने कट करके रखी हुई थी, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इस तरीके का रोल बना के रख लेना है। इस रोल को हम इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, ये देखिए इस तरह। इन सब के हमें पतले से रोल बनाकर रेडी कर लेना है। इस तरह से हम सारे रोल बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हमें चाहिए फॉक। फॉक से हम इसे शेप देंगे। इस तरह से अच्छे से प्रेस कीजिएगा ताकि इसका शेप आ जाए। ये देखिए इस तरह। इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे। ये मैंने सारे शेप्स देके रेडी कर लिए। अब हमें इन्हें पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से हमें इन्हें पीसेस में कट करना है। सारे हम कट कर लेंगे इसी तरह से। इन्हें अलग अलग करके रख लेना है इस तरह, देखिए। अब चलते हैं कोटिंग की तरफ। कोटिंग के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम जो कि हमने बना के रेडी रखा था। एक अंडा लेना है हमें। अंडे में हमें पिंच ऑफ नमक और पिंच ऑफ काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। चलते हैं कोटिंग के लिए। तो सबसे पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद में हमें इसे ब्रेड क्रम से कोट करना है। ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट करिएगा, ये देखिए इस तरह। अब हम फिर से फॉक लेंगे और फॉक से इसे फिर से शेप देंगे हम इस तरीके से। ऐसे हम सारे रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे रेडी करके रख लिए हैं। अब चलते हैं हम फ्राई की तरफ। फ्राई करने के लिए हमें चाहिए कढ़ाई या फ्राई पैन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसमें हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम नगेट्स फ्राई करेंगे। हमने नगेट्स ऐड कर दिए हैं ऑयल में।
इन्हें हमें दोनों साइड से लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए अब मैं साइड टर्न कर रही हूँ। और ये क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं। ये देखिए ये दोनों साइड से लाइट ब्राउन और क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ। हमारे पोटैटो नगेट्स रेडी हैं, तो इनकी प्लेटिंग करते हैं। ये मैंने प्लेट्स में निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम गार्निश करेंगे हरी धनियों से। हमारे पोटैटो नगेट्स रेडी हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।